बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आपको लेके आया हूं मैं सेक्शन 181, 182 और 183 में। एक में चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है 181 में, 182 में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, 183 में नेशनल डिफेंस में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसकी बात हो रही है। ये सारी कंपनीज को अप्लाई करता है, सेक्शन अप्लाइज टू ऑल द कंपनीज, ये तीनों सेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं अगर कि कौन नहीं कर सकता ये। इन तीनों में से जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन सेक्शन 182 का है वहां पर बोला गया कोई कंपनी अगर जिसकी इनकॉर्पोरेशन से 3 साल हुए अभी, न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी फॉर 3 इयर्स, एंड अगर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो वो नहीं कर सकती पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, बाकी सारी कंपनियां कर सकती हैं। इसमें अगर लिमिट की बात करूं तो केवल लिमिट आपको पढ़ना है चैरिटेबल के लिए। चैरिटेबल लिमिट जो है वो एवरेज 3 साल के प्रॉफिट का 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बाकी दोनों के केस में कोई लिमिट का एप्लीकेशन नहीं, यानी अनलिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, चाहे पोलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन हो या नेशनल डिफेंस वाली बात हो। इसके बाद आती है बच्चों अप्रूवल्स की। तो अगर मैं बात करूं आपको चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वहां पे लिमिट का अगर अंदर आप करते हो तो BR@BM यानी बोर्ड अप्रूवल, लिमिट के ऊपर जाते हो तो आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ सकता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के रूप में OR@GM, और हम बाकी बात करें तो हमें वैसे बोर्ड अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है बाकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। इन सब का डिस्क्लोजर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट है, कीप इट अप।